सीटेट 2021 का जो टेस्ट होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ऑलरेडी निर्देश मिल चुके हैं कि उन्होंने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करना है उसमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। क्वालिटी को इम्प्रूव करने से उनका क्या मतलब है, जो नेचर ऑफ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप ये जानते हैं कि सभी टेस्ट जो एनटीए ले रही यूजीसी हो जहाँ कोई और हो वो एमसीक्यू की फॉर्म में ही लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कहा गया है। ये एनटीए के चीफ के बयान है कि आने वाले यूजीसी नेट जहां वो जो भी एग्जाम या टेस्ट ले रहे हैं उनमें ये तीन इफेक्ट मिलेंगे। डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार जो इनको समझना है तो बड़ी इजीली समझ सकते हैं, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ेगा। और ये एक पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आज तक जो एग्जाम्स टेस्ट होते रहे हैं उनमें रिमेम्बरिंग लेवल के क्वेश्चन ही आते रहे हैं। ये आप देख सकते हो ब्लूम की कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी है और ये हाईएस्ट लेवल क्रिएटिंग है, लोएस्ट लेवल रिमेम्बरिंग है। पहले रिमेम्बरिंग को नॉलेज लेवल कहा जाता था। इसमें क्या होता है कि आपने फैक्ट है उसको याद करना होता है, रिमेम्बरिंग करनी होती है, रिकॉल करना होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर माइंड में करके बाहर निकाल देना, इतना काम है। दैट इज वाई लोएस्ट लेवल है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी इसी पर आज तक बेस है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हायर लेवल पर लेके जाया जाए, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग लेवल पर लेके जाया जाए। उन मेथड भी सुजेस्ट किए गए हैं, सुजेशन भी दिए गए हैं, लैंग्वेज टीचर कैसे अपॉइंट होने हैं, ये सारा कुछ हो चुका है। पर इन्फ्लुएंस जो पड़ चुका है अभी तक के ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बेस पर जो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन नॉलेज लेवल के आते थे वो अब अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल के ज्यादा आएंगे। ये ऑलरेडी एनटीए चीफ के बयान है, आप यूट्यूब पर देख भी सकते हो। पेपर सेटर्स को ये डायरेक्शन ऑलरेडी दी जा चुकी है कि कम से कम रिमेम्बरिंग और नॉलेज लेवल के क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और अप्लाई लेवल के। सेम वे अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो सीबीएसई जो टीईटी ले रही है उसके लिए भी सेम डायरेक्शन है। दैट इज वाई सीबीएसई ने टेट का एग्जाम लेने के लिए एग्जाम्पलर आपको दिया है कि आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे होंगे, उसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में ये नेट पर पड़ा है, आप देख सकते हो, इसको आगे के वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज ए साइन ऑफ, आगे क्वेश्चन है। अब ये नॉलेज लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये जान लें आप, क्यों? क्योंकि आपको नंबर एक ये जो सारी है ये एक सिचुएशन दे दी गई है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन हो गई। दूसरा ये हो गया लेव वाइगोत्स्की का कंसेप्ट, जो लैंग्वेज और थॉट के बारे में उसका ला जो प्रिंसिपल है वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की वो पता होने चाहिए, उसकी एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अगर ये कंसेप्ट और ये लॉ आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पता है देन यू कैन इट अप्लाई, आप एप्लीकेशन लेवल पर तब जा सकते हो। तो आपको ये दोनों की नॉलेज होनी चाहिए तब वो सिचुएशन पर आप अप्लाई करोगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की डायरेक्शन के मुताबिक अब ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी चेंज जो एमसीक्यू क्वेश्चन में होती है वो इसी वीडियो में आप देख लें कि एमसीक्यू क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक स्टेम, इस पार्ट को जो स्टेटमेंट या क्वेश्चन होता है उसको स्टेम बोलते हैं।
तीसरा है, दूसरा है अल्टरनेटिव्स, जो ये चार, एक दो तीन चार ऑप्शन है, इनमें एक की है राइट आंसर जिसको बोलते हैं, और बाकी जो ये हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला, सॉरी ये वाला और ये वाला, ये रॉन्ग रिस्पॉन्सेज हैं। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज को कहा जाता है डिस्ट्रक्टर। ओके, जो डिस्ट्रक्टर थे वो पिछले जितने भी टीटी के एग्जाम होते रहे हैं, खास करके जो स्टेट लेवल के होते रहे हैं, डिस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा पुअर हैं। अब डिस्ट्रक्टर बहुत स्ट्रांग आएंगे। अगर डिस्ट्रक्टर कोई पेपर सेटर बना लेता है, सॉरी हमारे पास ऐसे पेपर सेटर बहुत कम है जो डिस्ट्रक्टर पर मेहनत करते हैं। सभी मेहनत लार्जली मेहनत किस पर करते हैं कि राइट आंसर लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दी, बाकी कुछ भी डाल दो। लेकिन ज्यादा मेहनत अगर इस पर डिस्ट्रक्टर पर करते हैं, डिस्ट्रक्टर अच्छा कौन सा होता है डिटेल में बात कर सकते हैं, अभी नहीं करूंगा, कि जो राइट आंसर से ज्यादा मिलता जुलता है। अब जो क्वेश्चन नेशनल पॉलिसी की डायरेक्शन से आएंगे सीटेट में 2021 में या एनटीए यूजीसी नेट में, वो उनके डिस्ट्रक्टर पहले से ज्यादा सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब आप ज्यादा कंफ्यूज होगे और कंफ्यूज में रॉन्ग चॉइस चूज करोगे। ये अच्छे क्वेश्चन वैसे होते हैं, ठीक है, आपको ये बुरा लगेगा। हमारे लिए इम्प्लीकेशन क्या है, आपके लिए क्या है, कि एक टीचर को अब रिमेम्बरिंग लेवल पर टीच नहीं करना पड़ेगा, अब अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग यहीं तक नहीं, मैं तो ये सोचता हूं एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग लेवल तक टीच करना पड़ेगा, तब आप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। अगर ऐसा नहीं होता तो नेचुरली है कि आपके स्कोर डाउन जाएंगे। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, अगर आपने ये देखना है ना कि पिछले क्वेश्चनों से ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, ये पिछला एक पेपर भी है, आप देख सकते हो, इसको क्रॉस करेंगे, ये रहा एग्जाम्पलर, और ये पिछला सीटेट का ही क्वेश्चन है। सिंपल ऐसे होते हैं कि लेव अगस्त की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइज इंपॉर्टेंस डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए कि लेव वेगोस्की की थ्योरी कौन सी है। ये क्वेश्चन सेटर का लेवल है। अगर आपको ये ट्रेनिंग पता चल जाए कि ये एरर है, वो डिस्ट्रक्टर अच्छा बना ही नहीं पाया। ये देखिए, सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव, उसकी थ्योरी का नाम भी सोशो कल्चरल थ्योरी है। अगर सोशो कल्चरल थ्योरी है तो पहले ही कल्चरल टूल लिख दिया। तो आप ये देखिए, राइट आंसर साफ आपके सामने पड़ा है, और बाकी के जो डिस्ट्रक्टर हैं वो इधर उधर से वैसे ही डाल दिए गए हैं, इससे मिलते जुलते नहीं है। अगर मिलते जुलते कल्चरल टूल से होते, जहां कल्चरल की जगह पर कोई और शब्द यूज किया होता, तो ये क्वेश्चन अच्छा बनना था, लेकिन ये क्वेश्चन पुअर बन गया। पुअर होने से जो पिछले टीईटी क्लियर करके गए हैं उनको फायदा हो गया है। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा एनटीए और सीबीएसई ने पेपर सेटर को ये निर्देश दे दिए हैं। और अगर आपने एग्जांपल देखनी है, देख सकते हो, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ, इतना ज्यादा देखिए, मतलब जब भी पियाजे की थ्योरी होती है तो साथ में ही शब्द ये आ जाता है, पहला शब्द ही ये आता है। अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी हो, पढ़ाई हो, आपने यूट्यूब पर पढ़ा ही होगा या बुक्स में पढ़ा होगा, तो सबसे पहले स्कैमा, अच्छा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो सबसे वाइगोस्की का जो कंसेप्ट है पॉपुलर उसका, अच्छा डिस्ट्रक्टर कितने डिफरेंट डाले हुए हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन साफ है कि इनसे किसी से नहीं मिलती, बिहेवियरिज्म का या पावलोव का, स्किनर का, उनके ये रिस्पॉन्स है। तो ये देखिए कि दोनों क्वेश्चन की एग्जाम्पल में डिस्ट्रक्टर इतने वीक हैं कि इजीली आप फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं एग्जाम्पलर में, आप देख सकते हो कि उनके डिस्ट्रक्टर भी स्ट्रांग है, उनमें सिचुएशन भी दी गई है और कंसेप्ट भी दिए गए हैं। हाँ, मोस्टली मैं सिचुएशन दी होगी, आपको अपने कंसेप्ट्स के अगर समझ है तो
तो आप उसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब एप्लीकेशन लेवल तक पहुंचने के लिए ऐसे सीटेट या यूजीसी में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमें हमें सिर्फ याद नहीं करना होगा, हमें सिर्फ नॉलेज को गेन नहीं करना होगा, हमें उसको अंडरस्टैंड करके अप्लाई करके एनालाइज करके इवेल्युएट करके क्रिएटिंग तक पहुंचना होगा। क्रिएटिंग तक पहुंचना मुश्किल है, क्रिएटिंग तक पहुंचने का मतलब है जैसे मैंने वाइगोस्ट की ये जहां प्याजे या कोई भी कंसेप्ट आपका पढ़ा उसके बाद मैं नए क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं, नई एग्जाम्पल ला सकता हूं, तो इस लेवल तक पहुंच सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको थिंकिंग एक्सरसाइज चाहिए। अब तक आप क्या करते रहे हो, जहां ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करता क्योंकि अप्रोच ही रिमेंबरिंग की थी, तो रिमेंबरिंग अप्रोच में आप क्या करते हो, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू और उनके राइट रिस्पांस पर फोकस कर रहे हो। दो बातें बताई इसमें आपने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते रहे हो, ये आपकी स्ट्रेटजी रही है। दूसरा, आपका फोकस राइट रिस्पांस पर रहा है, ठीक। प्याजे भी क्यों अपनी वो लैब छोड़ के आया था जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट बना रहा था, क्योंकि वो भी राइट रिस्पॉन्स पर ही फोकस कर रही थी। और मेरा ये मानना है कि हमें बेशक हम कम क्वेश्चन की एक्सरसाइज करें, लेकिन उसके रॉन्ग रिस्पॉन्सेज को भी इवेल्युएट करें कि वो रॉन्ग क्यों है। जब एक क्वेश्चन पर इतनी एनर्जी लाओगे आपके काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी दूंगा डिफरेंट टाइप की, सिर्फ एमसीक्यू की नहीं, यस नो टाइप की हो सकती है, मैचिंग टाइप लार्ज लिस्ट दूंगा, उससे मैच करना है, कुछ आइडेंटिफिकेशन की होगी, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाओगे, फिर नई सिचुएशन दूंगा वहां अप्लाई करोगे। ये इसका मतलब है। इसके अलावा एक तो डिस्ट्रक्टर और सारे एमसीक्यू का सारे पार्ट आपने उसका एक्सरसाइज करनी है, और सेकंड थिंकिंग एक्सरसाइज साथ साथ में होगी। जब हम नॉलेज सिर्फ नॉलेज लेवल पर रहना चाहते हैं तो थिंकिंग एक्सरसाइज कम होती है। थिंकिंग एक्सरसाइज का मतलब है कि कंपैरिजन करना, नई सिचुएशन देके उसको कंसेप्ट को अप्लाई करके देखना, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करना। तीसरा, लर्निंग स्ट्रेटजीज जो है, जहां पेपर अटेम्प्ट करने की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, उसका डिफरेंट वीडियो भी निकालूंगा, लेकिन उसको साथ में साथ साथ में जब एक्सरसाइज करेंगे ये सभी चीजें, किस क्वेश्चन के सभी पार्ट को हम अटेंड करेंगे, थिंकिंग एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेटजीज को साथ में जोड़कर पढ़ेंगे, ये सारा कुछ क्या हो गया, दिस इज नोन एज होलिस्टिक अप्रोच। जब आप सिर्फ राइट आंसर पर फोकस करते हो, राइट आंसर पर फोकस करते हो, तो ये होगी पार्शियल अप्रोच। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे सीटेट में या यूजीसी नेट में, वो अब पार्शियल अप्रोच से सॉल्वेबल नहीं होंगे। दैट इज व्हाई इसके अलावा चौथा पॉइंट होलिस्टिक अप्रोच में चौथा पॉइंट क्या होगा कि आपको यहां होगी, मैंने एनलिस्ट की हुई है, हाँ ये आपको अगर फंडामेंटल थ्योरिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स, दो बातें कही मैंने, उनके कंसेप्ट की, लॉज की और थ्योरीज की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उनमें मेन कौन है, मोंटेसरी है, फ्रॉबल है, डीवी है, जिन्हें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एजुकेशन पर, प्राइमरी एजुकेशन पर, आप मोंटेसरी फ्रॉबल खास करके प्राइमरी एजुकेशन में इतना अच्छा काम किया है, इतने अच्छे स्कूल खोले हैं कि वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट किया है कि यस दिस इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच एट एलिमेंट्री और प्राइमरी और प्री प्राइमरी लेवल। ओके, तो इनकी अप्रोचेस को समझना होगा, वो रियल में जाके वो सिचुएशन सारी देखनी होगी। अगर सिचुएशन एग्जांपल आपके सामने होगी तो आप खुद ही अप्लाई कर सकोगे। स्कूल्स ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क 2005 का, टीचर एजुकेशन का 2009 का, और आने वाला 21 वाला जो अभी आएगा, उसमें देखना बार बार इस इन इज्म की बात की होगी। इन इज्म में की अगर समझ है तो आप इजीली
अपना अप्लाई करके एक तो एक्सरसाइज ऐसी करवाऊंगा कि आपको लिस्ट दूंगा, छोटी छोटी लिस्ट दूंगा, आपने चूज करना है कि आप स्कूल खोलोगे इसमें से कैसा स्कूल खोलोगे, ये ऑप्शन रखोगे, ये ऑप्शन रखोगे, ये ऑप्शन रखोगे, उससे एक्सरसाइज होगी आपके एक स्कूल का, एक टीचर का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, अच्छे क्लासरूम का वो आइडिया डेवलप होगा, जिससे आप ऐसी टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा ब्लूम की टैक्सोनॉमी और एक दो और कंसेप्ट है, जब हम ये फंडामेंटल लर्न कर लेंगे तो होलिस्टिक अप्रोच आपकी बनेगी। ऐसे मैं टीच करना चाहता हूं, अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, YES लिख दीजिए आप, इसका मतलब है आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा है, नहीं तो मैं वीडियो में बना बना के डालूंगा। वीडियो में ये है कि मैं इंट्रैक्शन नहीं कर सकता। अगर हायर लेवल पर जाना है, यहां तक हमने जाना है, तो इंट्रैक्शन ज्यादा चाहिए जो अप्रोचेस है। अच्छा, जो फंडामेंटल थ्योरिस्ट है, वैगोस्की है, प्याजे हैं, इनको अप्लाई करना है, तो मैं यहां मैं टीचिंग में अपनी में क्यों ना अप्लाई करूं। अगर मैं अप्लाई करूंगा तो साथ साथ में एप्लीकेशन मैं भी करूंगा और आप समझोगे भी। सो फॉर इंट्रैक्शन, अगर आप चाहते हो कि ऐसे सीटेट की तैयारी करना चाहते हो, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो, चैनल के साथ जुड़ के इंट्रैक्शन आप सजेशन दीजिए कि सॉरी आप कंफर्म कीजिए कि आपने ये लेना चाहते हो ऑनलाइन कोचिंग। तो किसी भी तरह का कोई और सजेशन हो, फीडबैक हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।